बहन भाई और मेरे जितने भी छोटे छोटे बहन सब है सभी को मेरी ओर से सादर अभिनंदन। मेरा नाम अजीत नाइक है, आप सभी मुझे पहचानते हो ना। तो आज हम लोग किसका जन्मदिन मना रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन मना रहे हैं। जैसा अभी हमें सर जी ने बताया उनके जीवन रहन सहन उनके तौर तरीके किस प्रकार से हमारे देश के लिए था, ठीक है। हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे क्या कि पहले अपने ऊपर काम करो, पहले अपने आप को बेहतर बनाना है, बेहतर पढ़ना है अच्छा से, और सक्सेस हमें जरूर ही मिल जाएगी। हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम जी स्टूडेंट से बहुत प्रेम करते थे। और आज मैं बता दूं जिस प्रकार से हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं ना, तो स्टूडेंट डे भी मनाया जाता है आज के दिन में। हालांकि हमारे देश में अभी स्टूडेंट्स डे को लेकर इतना रुझान नहीं है, अन्य देशों में बेहतर तरीके से मनाया जा रहा है। तो क्या है कि हमें किसी भी चीज़ का शुरुआत बड़ी होती है, वो चाहे जैसा भी हो। आज हमने शुरुआत कर दिया इतने सालों के बाद में, शायद सर ये चीज़ पहले नहीं होता था। तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी के याद में आज के दिन स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है, और स्टूडेंट के बेहतर तरक्की और उन्हें एक मोटिवेशनली आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डाया टी गार्डन के हमारे हेडमास्टर सर को, जिन्होंने मैंने जब उनके समक्ष आके इन सब चीज़ों का बात किया, और साथ ही साथ हमारे सारे सर जी को भी मैंने उनके समक्ष भी यह चीज़ें साझा की, तो उन्होंने बेहतर तरीके से मुझे समर्थन देते हुए आज के दिन को करने के लिए एक प्रोत्साहन दिया। और साथ ही साथ हम लोग तालियों से अभिनंदन भी करेंगे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सर को, हमारे समक्ष जुड़े और इस बेहतर दिन को मना पाए, ठीक है। तो मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आप लोगों को, बेहतर तरीके से पढ़ना है कि नहीं? अगर किसी भी चीज का कभी फ्यूचर में, जो फ्यूचर में कभी आप लोगों को कोई दिक्कत भी होता है, तो उसके लिए हम सभी आपके साथ में हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पहले क्या बोला मैंने, पहले लर्निंग, पढ़ाई को क्या बोला जाता है? लर्निंग, ठीक है। उसके बाद अर्निंग, अपने आप को बेहतर करना है और आगे बढ़ना है। और जिस प्रकार से हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राह दिखाई है, उस चीज को पकड़ के उस चीज को प्राप्त करना है। हार कभी मानना नहीं है, हार कभी मानना नहीं है। तो इतना कहते हुए मैं यह अपनी बातों को रख पाया, यह मुझे गर्व महसूस होता है, और ऐसे महापुरुष को भी हम सभी मिलकर याद कर पाए, यह मेरे लिए एक सौभाग्यपूर्ण है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।